हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे आज के दिन ये यहाँ 8 से 9% की अभी तेजी दिखा रहा है, तो आने वाले समय में ये किस तरीके का हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। इसका हमने बहुत पहले यहाँ पे एनालिसिस किया था जब ये बहुत तेजी से गिर रहा था और अराउंड बहुत ऊपर था, तभी मैं बता रहा था आपको कि अगर ये इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जा सकता है। और अभी इसकी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, मई से लेके अभी तक 2 रुपये का था और अभी यहाँ पे 1.6 से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऐसे ये जो शेयर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड कर लिया है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है और टाइम स्पेंड करने के बाद इसको नीचे या फिर ऊपर निकलना है। लेकिन जो नीचे की जर्नी है अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इन लेवल्स पे चेक करिए मार्च के महीने में और इस समय इसके पहले का अगर ये लेवल चेक करेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटे 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 कैंडल यहाँ पे मोमेंटम हो रहा था। मतलब बायर्स और सेलर्स कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इसमें क्या चल रहा है और ना ही इसीलिए कोई ज़्यादा वॉल्यूम था, ना बाइंग हो रही थी ना सेलिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद कोई डिसीजन आया ना, उसके बाद तेजी से ये नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद फिर से यहाँ पे जब भी कोई शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो वो थोड़ा सा रुकता है, वहाँ पे बायर्स आते हैं उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, एंड जब बायर्स फेल हो जाते हैं तो फिर से उसमें एक सेलिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन हमेशा बना रहता है। अभी शेयर में मई, ठीक है, 1, 2, 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने से ये देखेंगे इस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो और ये जो लेवल है अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये लेवल है अराउंड 1.6 के आसपास, 1.5 के आसपास ये लो लगा के ट्रेड कर रहा था। तो अभी आज के दिन कोई गुड न्यूज़ होगा, कुछ होगा इसलिए इसमें, या फिर कोई बड़ा प्लेयर इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा रहा होगा इसलिए 8% की हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल रही है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही छोटा शेयर है तो बहुत लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लाइक 50,000 60,000 का ये शेयर लेके इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो पैसे 2 गुना हो जाएंगे। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए, इसमें हमें इस शेयर में बहुत ही कम रिस्क लेना चाहिए। अज्यूम करते हैं अगर आप 100% रिस्क लेते हैं किसी भी शेयर में, या फिर आपके हर स्विंग ट्रेड में आप 100 रुपीज़ रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ ही रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है उससे ज़्यादा यहाँ पे डर होता है हमारे पैसे डूब ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये 1.8 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या है 1.8 रुपीज़ है, लेकिन आप 1.8 रुपीज़ मत देखिए, 50,000 जो लगा रहे हैं उसको देखिए। क्योंकि अगर ये 1.8 से 50 पैसा हो गया तो आपका ये जो 50,000 है ये 20 रुपीज़ 20,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से ये मेल्ट होगा। तो यहाँ पे इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे इस शेयर में कोई भी डिसीजन लेने के पहले, राइट? तो अभी इसमें आज के दिन जो मोमेंटम हो रहा है अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2-4 दिन से कोई यहाँ पे ना वॉल्यूम था ना ज़्यादा मोमेंटम हो रहा था, फिर एक ही लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, हम सभी को दिख रहा है। अभी 2-3 दिन से इसमें एक वॉल्यूम दिख रहा है और आज के दिन अभी ये थोड़ा सा ऊपर हम लोग को जाता हुआ दिख रहा है, 8-9% का मोमेंटम है। तो हो सकता है 1.9, ठीक है, 1.9 तक ये आज के दिन आ जाए और 1.9 से इसको रेजिस्टेंस मिले, बिकॉज 1.9 के लेवल को इसने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे एज ए सपोर्ट यहाँ पे एक्ट किया और उसके बाद इसको ब्रेक किया था। तो ज़्यादा चांसेस है इन्हीं लेवल के आसपास से इसमें एक इसमें क्या होगा आज के दिन रुकावट मिले और इसकी आसपास ही क्लोजिंग दे देगा। बायर्स पूरी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर क्लोज करें, ठीक है, बायर्स पूरी कोशिश करेंगे कि 1.9 के ऊपर क्लोजिंग करें ताकि नेक्स्ट डे फिर से लोग इसको आगे बाई करके ऊपर की ओर लेके जाएं। और अगर ये ऊपर से नीचे भी गिरे तो ये 1.9 का लेवल है, फिर से एक सपोर्ट की तरह काम करे, और जब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा तो फिर से यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए बायर्स का पूरा यहाँ पे कोशिश रहेगा 1.9 के ऊपर क्लोज देने की, लेकिन सेलर्स कोशिश करेंगे इसके नीचे ही क्लोजिंग हो ताकि ये लेवल अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। और अगर हम लोग अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके की कुछ सिचुएशन बन रखी है। यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है और इसी चैनल के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिसके पास क्वांटिटी पहले से है उनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना चाहिए, जो भी यहाँ पे लास्ट स्विंग लगा है, ठीक है, उसके नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखिए एंड बने रहिए शेयर के अंदर। क्योंकि अगर ये यहाँ पे धीरे से आके इस लेवल को ब्रेक करता है 2 के लेवल को, ठीक है, जो 2 रुपीज़ का यहाँ पे लेवल अगर इसको ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि ये फिर 2.5 और यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे अराउंड 2.75 तक चला जाए, इन लेवल्स को ये जाके फ्यूचर में टच करे। क्योंकि आज की जो जर्नी है, हो सकता है यहाँ पे भी देखेंगे एक अच्छा रैली था, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा रैली था, लेकिन रैली होने के बाद फिर से सेलिंग भी उतनी ही प्रेशर में हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी क्वांटिटी बाई करेंगे तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आप 10 रुपये का भी रिस्क लेते हैं तो उसको 2-2 रुपये करके लीजिए। कुछ क्वांटिटी आज बाई करिए, कुछ क्वांटिटी बाद में बाई करिएगा, कुछ क्वांटिटी अवेलेबल निकलने के बाद बाई करिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क होगा वो कम होगा, एंड जो अगर ये हमें प्रॉफिट देता है तो हम लोग प्रॉफिट को एक्युमुलेट करते हुए ऊपर की ओर निकलेंगे।
राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। तो अगर हम लोग कल की बात करें तो अभी ये जब तक ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकली यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, 2 के आसपास है, क्योंकि 2 का राउंड लेवल है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1.5 रुपीज़ का ये था और 50% ट्रेवल कर देगा, तो अराउंड 30-40% का ये मोमेंटम दे चुका होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर देखेंगे बायर्स का क्या है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है तब भी बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं और स्ट्रांग हैं, तो अगर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर क्यों निकल रहे हैं, तो हम उन बायर्स के साथ मोमेंटम में पोजिशन बना सकते हैं और अपना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, हम जब भी प्रॉफिट बनाते हैं तो कोई भी बड़ा बायर्स वहाँ पे प्ले कर रहा होता है, ठीक है। हो सकता है 4 हो 5 हो, कितने भी हो, उनके साथ ही हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि हमारे बाइंग एंड सेलिंग से चार्ट पे मोमेंटम नहीं होता, उनके बाइंग एंड सेलिंग से ही मोमेंटम होता है। तो अगर हम उनका हाथ पकड़ के चलेंगे, उनके डायरेक्शन पे अगर वो बाई कर रहे हैं, उनके साथ जाएंगे, तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सेम हम लोग इस शेयर में भी हम लोग सेम वही चीज करेंगे। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना है, ऐसे शेयर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।